साथ है वर्षाताई आमदार राम कदम जी की धर्मपत्नी, उनके माध्यम से जानते हैं कि आज गोविंदा का दिन है, जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म है और ये बड़े उत्साह से मुंबई में सबसे बड़ी दही हंडी करके युवाओं का और भारतवासियों सनातनियों का गौरव बढ़ाती है। कैसे गोविंदा का ये जो प्रोग्राम आप करती हैं, कैसे अरेंज करती हैं और आज सनातनियों का जो बात होती है दीदी, वो सनातनियों के गौरव कैसे बढ़ाती है? एक्चुअली ये सब तो MLA राम कदम साहब खुद अपना ही इतना उनके अंदर उत्सव है कि सारे पूरा घाट को पर उनके लिए खड़ा हो जाता है। इस तरह से बारिश हो कुछ भी हो, देखा आपने कितनी पब्लिक आई हुई है, CM साहब आके गए, तो दही हंडी तो अच्छे से होनी ही चाहिए, हर साल होती है। लेकिन कहा जाता है कि राम कदम जी की जो सबसे बड़ी ताकत है, आपको देख रहा हूँ इतना मेहनत करना, मैनेज करना, एक्ट्रेस सबको लाना ले जाना और पूरी व्यवस्था करना, ये आप कैसे करती हैं? नहीं नहीं, ये सब तो उनके सपोर्ट के बिना नहीं होता है। राम कदम साहब का खुद का बहुत सपोर्ट है और पूरे क्योंकि 60,000 बहनों को राखी बांधते हैं तो उन लोगों का, बूढ़े माँ बापों का सबका आशीर्वाद है, सब कुछ हो जाता है, अपने आप हो जाता है। हर साल कर रहे हैं अभी तो हर साल अच्छे से हो जाता है। गोविंदा की तरह सनातनियों का गौरव बढ़ाने में काशी विश्वनाथ दर्शन, अयोध्या दर्शन और केदारनाथ दर्शन तक हजारों बुजुर्गों को और यात्रियों को मुंबई से काशी तक ले जाना, ये कैसे संभव करते हैं आप? ये भी वही बोला ना मैंने कि उनके इतने भगवान ने उनकी क्षमता और ताकत उनको इतनी दी है कि वो अपने आप सब हो जाता है। कार्यकर्ता का उनके साथ अच्छा संघर्ष करते, सब साथ में आते हैं उनके, तो उस वजह से सब कुछ हो जाता है। और हमारे साथ वर्षाताई है जिन्होंने बताया कि राम कदम जी की जो ताकत है, जो उनकी कार्य करने की क्षमता है, लोगों में उनका प्यार है, वह उनके अंदर से आती है। लेकिन सच्चाई यह है कि वर्षाताई का जो सपोर्ट है वह राम कदम जी का बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि पत्नी का जो सपोर्ट होता है वही पति को एक अच्छे श्रेष्ठ जगह पर ले जाता है। PRSS न्यूज़ के साथ पवन पाठक, कैमरामैन आकाश मिश्रा।